पाकिस्तान भले ही कश्मीर में भारत की कथित हिंसा और ज्यादतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर उसे लगातार शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बलोच नेताओं ने एक बार फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। बलोच एक्टिविस्ट मुनीर मेंगल ने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को धरती का नरक बनाकर रख दिया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 35वें सत्र में बलोच नेता मेंगल ने कहा, पाकिस्तान के लगातार अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के दावे के बावजूद बलोच लोग इस्लामिक राज्य के नियंत्रण में जितनी तकलीफें और मुसीबतें झेल रहे हैं, वह धरती पर ही किसी नरक में जीने जैसा है। बलोच नेता ने कहा, वह हस्तक्षेप और दमन बलोच लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अदृश्य रूप में सैन्य शासन थोप रखा है, बलोच नेता ने बताया। सितंबर 2012 में यूएन की एक संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का दौरा किया था और बलूचिस्तान से लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की थी। यूएन का प्रतिनिधिमंडल को बहुत ही नियंत्रित तरीके से दौरे की इजाजत दी गई थी। उन्होंने पाक पर दमनकारी नीति का आरोप लगाते हुए कहा, चीन पाक आर्थिक गलियारा के लिए सुरक्षा उपायों के नाम पर बलोच नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है और इलाके में स्थिरता के लिए बलोच लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान लगातार किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बेहद गंभीर हैं।